हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल एडू चैम्प लाइव क्लासेस। दोस्तों, आपके जो आरआरबी एलपी सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका जो आपके एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो आपके जो भी कैंडिडेट्स स्टेज वन जो क्लियर किया है उनके अपन इसमें जो क्या किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए और क्या आपका एग्ज़ाम पेटर्न रहने वाला है, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या आपको मतलब जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और किस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है सीबीटी टू एग्ज़ाम, जिसके आपके सीबीटी वन के एग्ज़ाम के ऑलरेडी आपके हो चुके हैं और उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और अब जो आपका सीबीटी टू के एग्ज़ाम की शुरुआत आपकी 21 जनवरी से हो रही है, 21 जनवरी से आपके जो है सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। आरआरबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक सेकंड स्टेज सीबीटी के एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले ही डाउनलोड किए जाएंगे। तो आपके 17 जनवरी को जो है आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप आरआरबी की, जैसे कि आप जिस रीज़न से आप अप्लाई कर रहा है, आपने जिस रीज़न से आप अपीयर हुए थे सीबीटी वन के लिए, वहीं से उसके आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। आपको लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर इन सब से और फिर आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। रेलवे रिक्रूटमेंट ने अभ्यर्थी को एग्जाम सिटी और तारीख की जानकारी देने वाला लिंक पहले ही एक्टिवेट करवा दिया था। वही एग्जाम के मॉक टेस्ट का लिंक भी 13 जनवरी को एक्टिवेट कर दिया गया, जिसका वीडियो आपको ओरिजिनल लाइव क्लासेस पे भी हमने बताया था कि आप किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे और किस तरह का आपका पैटर्न होगा। ये वीडियो ऑलरेडी आपके ओरिजिनल लाइव क्लासेस पे अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं एक बार। और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका लिंक एक्टिवेटेड है, ठीक है। आपको बता दें कि रेलवे एलपी टेक्नीशियन के पहले चरण का सीबीटी एग्जाम नवंबर में आयोजित किया गया था और इसका रिजल्ट 20 दिसंबर को घोषित किया गया था। पहले स्टेज में पास होने वाले आवेदकों को ही दूसरे स्टेज में जो बैठने का मौका दिया जाएगा। 17 जनवरी से आपके जो एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर विद्यार्थी के एग्जाम से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो जो आपके हेल्प डेस्क है, आपके जो रीजन वाइज ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और इसका लिंक भी आरआरबी ने जो मतलब कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल है, वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इसका एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी से 23 जनवरी तक चलेगा। एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 जनवरी को आ जाएगा। ये आरआरबी लोको पायलट का सीबीटी 2 एग्ज़ाम है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और आगे जो 23 जनवरी को जो एग्ज़ाम होंगे उनके जो एडमिट कार्ड है वो 19 जनवरी को, मतलब सिर्फ जो 4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम है उनके 18 जनवरी को एडमिट कार्ड आएंगे। और इसी तरह 23 जनवरी को होने वाले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपके 19 जनवरी को रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो आपके जो एडमिट कार्ड पे है, जो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं कि आपको वहाँ पे कोई भी जो है टेक्निकल जो गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। कोई पेपर एग्ज़ाम पेपर वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा, बुक्स नोट्स कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और ध्यान रहे कि एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड कॉपी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका नाम और संबंधित जानकारी साफ साफ दिखाई दें। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवार को वैध मतलब ये वैलिड आईडी कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट लेके जाना है। एलपी जो सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम है आपके, वो आपके 2 पार्ट में होंगे। पार्ट ए के लिए उम्मीदवारों को 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 90 मिनट दिए जाएंगे। परीक्षा में मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में आप पास होने के लिए जनरल कैटेगरी में उम्मीदवारों को कम से कम 40% जो मार्क्स लाना है, एससी वालों को जो 30% और एसटी वालों को 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है। पार्ट ए के मार्क्स स्कोर कैलकुलेशन के काम आएंगे, वहीं पार्ट बी में टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे जो ट्रेड उम्मीदवारों ने चुना है, मतलब कि जो आईटीआई ट्रेड आपका है, जो फील्ड है आपका, उससे रिलेटेड आपके पार्ट टू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के सवाल इसमें से आएंगे। इसमें 75 क्वेश्चन होंगे और जिसका जवाब आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटा दिया जाएगा। और इसमें पास होने के लिए 35 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं। 40% मार्क्स आपका पार्ट ए जो होगा सीबीटी 2 में उसमें कंपलसरी है, और पार्ट जो 2 है उसमें आपका 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो ये दोनों ही आपके मार्क्स हैं जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। तो आप इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी किए करना। और उसके जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखें कि आपको जो कंफर्म हो वही आंसर, वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करें, ठीक है। तो ये थी इसकी जो पूरी कंप्लीट डिटेल थी, या मैंने आपको बता दी। आप एडमिट कार्ड जैसे ही अवेलेबल होंगे आप एक बार फिर डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। और एडू चैम्प लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।